नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है सब बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए स्पर्श गद्य पाठ और पद्य भाग से दोनों से आपको एक एक पाठ अब तक पूरा कर दिया है। गद्य खंड से आपने पढ़ा दुख का अधिकार कहानी यशपाल जी की, और पद्य से आपने रैदास जी के दो पद पढ़े। इन दोनों पाठों से संबंधित मैंने आपके लिए कठिन शब्द हार्ड वर्ड और प्रश्नोत्तर, साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भेजे थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो अपनी नोटबुक में पूरे किए होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करें। विद्यालय जैसे ही खुलेगा आपके लिखित कार्य की जांच की जाएगी। बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं व्याकरण में, क्योंकि आपने गद्य और पद्य से एक एक चैप्टर पहले से ही पढ़ लिया है, तो आज व्याकरण शुरू करते हैं। व्याकरण में हम पढ़ेंगे आज अनुस्वार व अनुनासिक शब्द। ये अनुस्वार और अनुनासिक व्याकरण प्रकरण का पहला ही प्रकरण है, टॉपिक है, अतः इसे आज हम ये पढ़ेंगे। अनुस्वार अनुनासिक क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होते हैं, और आपके पाठ्यपुस्तक में अनुस्वार तथा अनुनासिक से संबंधित जितने भी शब्द हैं उनको मैं आपके लिए होमवर्क में आज भेजूंगा, तो उन्हें ध्यान से देखेंगे। तो आज अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक मूलतः है, ये व्यंजन होते हैं। अनुस्वार होते हैं वो व्यंजन होते हैं, नासिक व्यंजन, जिन्हें बोलते समय वायु हमारे नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। अनुनासिक मूलतः नासिक स्वर होते हैं, इनका उच्चारण भी ऐसे होता है, इनका उच्चारण करते समय अवरोध के साथ वायु मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकलती है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विस्तार से आज देखते हैं। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है। आज हम जानेंगे कि कब और क्यों इनका प्रयोग किया जाता है। जब हम शब्द लिखते हैं तो शब्द के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं, वो अनुस्वार होता है। यह पंचम वर्णों के स्थान पर ज़्यादातर लगाया जाता है। पंचम वर्ण होते हैं, आपने अब तक कक्षा 6, 7, 8 में स्वर तथा व्यंजन पढ़े होंगे। तो जो शब्द होते हैं उसके ऊपर हम जो बिंदु लगाते हैं सादा, वो अनुस्वार कहलाता है, और चंद्रबिंदी लगाते हैं वो अनुनासिक कहलाता है। तो अनुस्वार आता है पंचम वर्णों के स्थान पे। जब हम स्वर पढ़ते हैं उसके बाद व्यंजन पढ़ते हैं, तो व्यंजन में का का गा घा गा, चा छा जा झा या, टाठा डाढ़ा ना, ताथा दादा ना, पाफा बाबा माँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण, जो 5 वर्ण आपके पास दे रखे हैं ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा, तो गंगा में 5वां वर्ण है, इसको हटा के अंग के ऊपर बिंदी लगा दी है। ऐसे ही चंचल, झंडा, गंदा, कंपन, इन सभी शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसलिए 5वां वर्ण हटा करके पहले वर्ण पर हमने अंग की बिंदी लगा दी, ये कहलाता है अनुस्वार। अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने का नियम। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग में से जिस वर्ग से संबंधित होता है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। वर्ग होते हैं जैसे कावर्ग कमल होता है, का खा गा घा गा, ये 5 अक्षर कावर्ग में आएंगे। फिर चा में चा के 5 आएंगे, चा छा जा झा या, टाठा डाढ़ा ना, ताथा दादा ना, पाफा वावा माँ। ये 25 जो अक्षर होते हैं व्यंजन कहलाते हैं, ये का से लेकर मा तक के 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें 5 वर्ग होते हैं, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। इनमें से जिस वर्ग से संबंधित होता है अनुस्वार उसी वर्ग के ऊपर पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। इनका नियम होता है, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि शब्द इस तरह से नहीं लिखे जा सकते हैं कि वाग के ऊपर बिंदी लगाएंगे, आगे ऊपर ची उन, ये गलत हैं, इनके रूप में ये नहीं लिखे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नियम लागू हो रहा है कि अगर 5वें वर्ण के बाद में कोई अन्य वर्ण आए तो अनुस्वार नहीं प्रयोग होता है। पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप नीचे से देख सकते हैं, जैसे प्रसन्न तो 2 बार ना आ गया, अन्न 2 बार ना आया, सम्मेलन 2 बार माँ आया,
आदि को हम प्रसन्न, अन्न, सम्मिलन, अंकी बिंदी लगा करके नहीं लिख सकते। जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद या, रा, ला, वा, हाय आए तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है, जैसे अन्य, कन्हैया आदि, इसमें अंकी बिंदी नहीं लगती है। ना, मा, कोई भी पांचवा वर्ण है जैसा कि तैसा लिखा जाएगा अगर अनुस्वार के बाद में या, रा, ला और वा आए या हाय। जैसे अन्य में या आ गया, कन्हैया में या आ गया, हा आ गया, तो इस तरह के जब वर्ण होते हैं तो वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है और तीनों सा, 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 सा और हा ये उष्म व्यंजन से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु का रूपी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जैसे संशय, संयम आदि। ये होते हैं अनुस्वार और उससे संबंधित नियम। अनुस्वार से संबंधित जितने भी आपकी पाठ्य पुस्तक में शब्द आए हुए हैं उनको मैं अलग से एक शीट पर तैयार करके आपको होमवर्क के लिए भेजूंगा, आप उन्हें अपने नोटों में लिख लेंगे। प्रश्न बड़ा ही सादा आता है परीक्षा में कि दिए गए शब्दों पर अनुस्वार का प्रयोग करें, तो वो शब्द आप अभ्यास कर लें, मैं आपको अलग से आज होमवर्क में भेज दूंगा। अब बात करेंगे यहाँ से आगे अनुनासिक की। बच्चों, अनुनासिक का क्या मतलब होता है? अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। जब इनका हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो मुंह से ज़्यादा वायु बाहर निकलती है और नाक से कम। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। सादा बिंदी ना लगा करके हम पहले चंद्रमा जैसा बनाते हैं चंद्र, उसके बाद फिर बिंदी लगाते हैं उसमें, तो उस चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं आँख, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ अभी, आँख, मा, गाँव आदि, ये शब्द ऐसे हैं जिन पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? अनुनासिक। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, वहाँ चंद्रबिंदु नहीं लगाया जा सकता है। जैसे मैं के ऊपर दो मात्रा लगी हुई हैं, तो यहाँ पर बिंदु भी है, ये बिंदु चंद्रबिंदु वाला ही है, लेकिन इसे हम अनुस्वार नहीं लिखेंगे, सादा बिंदु अनुनासिक के रूप में नहीं लिखेंगे। गोंद आदि, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक स्वर हैं और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन। इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे हंस एक पक्षी और हंस हंसने की क्रिया, तो इसको हंस कहेंगे क्योंकि इस पर चंद्रबिंदु लगी हुई है, और सादा जो बिंदु होता है उसे कहते हैं हंस, एक पक्षी जो जल में रहता है। तो इस प्रकार आप अंतर देख सकते हैं, अनुनासिक जो होते हैं वो स्वर होते हैं मूलतः, और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन होते हैं। उच्चारण का और प्रयोग का आपको मैंने अभी इसमें बताया है। अब हम देखेंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में सभी पाठों के अंदर अनुस्वार और अनुनासिक के कितने शब्द हैं, उन्हें मैं आपको आज सेलेक्ट करके एक फाइल में भेज रहा हूँ, आप उन्हें होमवर्क के रूप में अपने नोटबुक में करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, धन्यवाद।